हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं क्या एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आए हुए एक बेहतरीन इवेंट के बारे में, जिसका नाम है इमोट पार्टी। और उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं लेजेंडरी इमोट्स, जो कि बहुत ही ऑसम इमोट्स है। और मतलब FFC थ्रोन वाला भी मिल रहा है, फ्लैग इमोट भी मिल रहा है, प्रपोज इमोट भी मिल रहा है, और एक डॉगी इमोट मिल रहा है, जो कि यार मुझे तो बहुत पसंद है ऑब्वियसली। तो ये सब इमोट्स उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप वो इमोट निकाल सकते हो, क्या उस इवेंट में हमें करना पड़ेगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो गाइस देख सकते हो, ये है इमोट पार्टी का बैनर, जो आपको गेम ऑन करते से ही मिल जाएगा। मैं बैनर से ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट आया है इवेंट कुछ देर पहले ही, तो कहीं और से एक्सेस पॉइंट्स का नहीं है, बैनर ही एक्सेस पॉइंट है। हो सकता है जब तक आप चेक करो आपको कुछ और एक्सेस पॉइंट मिल जाए। तो चलिए हम इवेंट को देखते हैं अंदर की, इवेंट के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। वैसे इमोट्स की बात करें तो आपको बाहर इमोट दिख जाएंगे, कौन कौन से इमोट इसके अंदर आए, और सारे लेजेंडरी इमोट्स आपको दिख रहे होंगे बाहर, यहाँ सारे ऑसम इमोट है। और ये बहुत ही कम हमें गेम में देखने को मिल रहा है, और बहुत ही रेयर इमोट्स में से भी एक है ये। तो चलिए इवेंट के अंदर चलते हैं हम। मुझे डॉगी वाला इमोट बहुत पसंद है, मेरे पास डॉगी वाला इमोट लेने का मन है बस, और कुछ मन नहीं है। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, और प्राइस लिस्ट आपको दिखी रही होगी अपने लेफ्ट साइड में। तो मेरे पास 3 इमोट ऑलरेडी है, तो वो ऑप्टेन 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 दिखा रहा है, बट अपना डॉगी वाला इमोट और एक ये हार्ट वाला इमोट मेरे पास नहीं है। तो ये मैं एक को चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो चलेगा, बट इसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे डायमंड्स। तो आप ये राइट साइड देख सकते हो, नॉर्मल ड्रॉ है 9 डायमंड का, और सुपर ड्रॉ है 99 डायमंड्स का। सो गाइस, एक दिक्कत हो गई है कि मैंने जितना भी रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने स्पिन मारे थे इसके अंदर, 2 स्पिन मारे थे, तो मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों सेव नहीं हुई इन द एंड ऑफ द वीडियो। पता नहीं क्या हो गया है, और उसमें पूरा ख़राब हो गई मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने पता है 2 स्पिन मारे थे, देख सकते हो आप लोग, मैं आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, मैंने 2 स्पिन मारे थे इस इवेंट के अंदर, जिसमें मुझे सुपर स्पिन में मुझे मिला डेथ ग्लेयर वाला इमोट, और नॉर्मल स्पिन में मिला मुझे बॉन्टी टोकन। तो मतलब घटिया चीज़ें ही मिली, वैसे तो शायद से डेथ ग्लेयर वाला इमोट ऑलरेडी है मेरे पास, बट यार मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने स्पिन मारे और वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई है। बट बाकी फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल इवेंट की दे देता हूँ कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आप लोगों को इस पर स्पिन मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए। तो जो सुपर ड्रॉ है ना, उसमें लिखा हुआ है मोर टू गारंटी डॉगी इमोट, मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस है डॉगी इमोट निकलने के। तो फर्स्ट टाइम है डिस्काउंट है गाइस। तो जो नॉर्मल ड्रॉ है वो 19 डायमंड्स का है, बट डिस्काउंट में 9 डायमंड का पड़ रहा है, और जो सुपर ड्रॉ है वो 199 डायमंड्स का है, जो डिस्काउंट में फर्स्ट टाइम है हमें 99 डायमंड्स का पड़ रहा है। तो प्राइस लिस्ट देख लेते हैं एक बार, प्राइस लिस्ट हम चेक कर लेते हैं कि प्राइस लिस्ट में और क्या क्या इसमें है। तो गाइस देखो, प्राइस लिस्ट में आ गया, तो ग्रैंड प्राइस में हमारे सारे लेजेंडरी इमोट्स है, बाकी नॉर्मल प्राइस में गाइस और भी इमोट्स जो कि नॉर्मली लोगों को मिल चुके हैं, मतलब इमोट्स ही इमोट्स मिल रहे हैं यार। और साथ ही साथ हमारे वाउचर्स वगैरह भी है, गन क्रेट भी है, और स्कैनर, पैट फूड, बाउंड्री टोकन, रीसप्लाई मैप, फ्रेगमेंट्स, फालतू चीज़ें भी हैं इसके अंदर। एक बार हम सुपर ड्रॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विन एन इमोट विथ एवरी सुपर ड्रॉ, मतलब गारंटीड है कि आपको सुपर ड्रॉ में एक ना एक इमोट मिलेगा, बट वो लेजेंडरी इमोट होगा कि नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल ड्रॉ में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है हमें। तो अगर नीचे आप नंबर देख सकते हो, पहले 5 था, अब यहाँ पर 4 हो गया है। तो अगर आप 5 बार कंटिन्यूसली सुपर ड्रॉ से आप करते हो, तो 5th टाइम में गारंटीड है कि आपको डॉगी इमोट मिल जाएगा। यस गाइस, 5वीं बार में आपको डॉगी इमोट गारंटीड मिल जाएगा, और हर 5th, उसके बाद भी अगर आप सोचो कि 5 और सुपर ड्रॉ मारते, तो उसके बाद भी आपको कोई ना कोई लेजेंडरी इमोट ही मिलेगा इसके अंदर से। मतलब हर 5 सुपर ड्रॉ में आपको एक लेजेंडरी इमोट मिलेगा। बट गाइस, जो डिस्काउंट था ना, वो पहली बार में ही था 99 डायमंड्स का डिस्काउंट। आप देख सकते हो, आप लोग सुपर ड्रॉ हो गया 199 डायमंड्स का, मतलब 200 डायमंड ही लेके चलो तो 4 बार आपको 200 मारने पड़ेंगे, तो 800 डायमंड हो गए पहला 100 डायमंड का। तो 900 डायमंड में आपको डॉगी इमोट देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको पहले भी देखने को मिल जाएगा, बट यार बहुत कम चांसेस है इसमें कि पहले हमें देखने को कुछ मिलता है। वो डेफिनेटली कि आपको 5th स्पिन के बाद ही आपको डॉगी इमोट या कोई लेजेंडरी इमोट मिलेगा। इवेंट की बात करी जाए तो जिनके पास
ये लेजेंडरी इमोट नहीं है पर डायमंड बहुत है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए इवेंट बहुत अच्छा है क्योंकि उनको एक अच्छा अच्छा इमोट मिल सकते हैं यहाँ से। बट यार डायमंड्स नहीं है अगर आप लोगों के पास, तो प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि यार देख सकते हो मैंने भी कितना डायमंड बर्बाद कर दिए, 109 डायमंड बर्बाद कर दिए फिलहाल, तो 108 109। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई मत करना अगर आपके पास डायमंड नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यार थोड़ा ज़्यादा डायमंड लगेंगे इसमें से कोई अच्छे इमोट्स निकालने के लिए। फर्स्ट टाइम आप ट्राई मार सकते हो जो सुपर ड्रोन 99 डायमंड्स का था और नॉर्मल ड्रोन 9 डायमंड्स का था, फर्स्ट स्पिन आप ट्राई मार सकते हो अगर आपको सेटिस्फैक्शन के लिए ट्राई मारना है तो। बट गाइस उससे ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप लोग कि इसमें स्पिन करो, क्योंकि डायमंड्स तो डेफिनेटली बहुत सारे लगने वाले हैं, आपको गारंटीड मैं बता ही चुका हूँ कि गारंटीड इमोट मिलेगा 900 डायमंड स्पेंड करने के बाद, वो भी सुपर ड्रॉ में। तो आप एक अंदाजा तो लगा ही सको कि 500 डायमंड के नीचे आपको कुछ नहीं मिलने वाला लेजेंडरी इमोट में से, बाकी आलतू फालतू इमोट मिलते रहेंगे। अगर आपको वो चाहिए, मेरे को नहीं लगता आप लोग पसंद करोगे वो लेना, क्योंकि आप स्टोर में से खरीद सकते हो 50% ऑफ में जब भी वो आएगा। तो कैसे इवेंट की ओवरऑल बात करूँ तो इतना ज़्यादा खास इवेंट नहीं है, डायमंड बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, तो यार आप लोग डायमंड खर्च मत करो, इससे बेटर है वो अगर आपके पास ज़्यादा कोई इमोट नहीं है तो वो डायमंड्स बचा कर स्टोर में 50% ऑफ आने का वेट करो, इमोट स्टोर में 50% ऑफ आता है हमेशा, तो तब जाके आप स्टोर से इमोट खरीद लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी रिसेंटली इमोट्स का 50% ऑफ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, आगे भी वापस आएगा, तो डायमंड्स बचा लो और आगे जब भी 50% ऑफ आए स्टोर में से तब जाके आप इमोट खरीद लो स्टोर में से, वो ज़्यादा बेटर है इसके इवेंट के मुकाबले। और लेजेंडरी इमोट का तो मैंने आपको बता दिया कि वो एटलीस्ट 500-600 डायमंड स्पेंड करने के बाद ही आपको मिलेगा, तो रिस्क अगर आपको लेना है तो आपकी मर्जी है, बट बाकी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। इससे बेटर कि आप लाइट पास में पैसा लगाओ, गन क्रेट्स में पैसा लगाओ, क्योंकि गन स्किन रहती तो उससे एडवांटेज भी मिलता है, इमोट से कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। तो गाइस होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो यार वीडियो कहीं रैप करते हैं, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करना कि आपको ये इवेंट कैसा लगा। सो गाइस बाय बाय।